दोस्तों अभी तक क्या होता था, कोई भी नई मूवी रिकॉर्ड बनाती थी ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, तो वो मूवी सिर्फ साउथ की होती थी। चाहे बाहुबली, बाहुबली 2, RRR, KGF 2, ये सब मूवी ने जो 100-100, 150-150 करोड़ कमाए ना पहले दिनों के अंदर, तो ये सिर्फ साउथ के सिनेमा था। लोग ये कहते थे साउथ की सिनेमा सबसे ऊपर है, बॉलीवुड कभी भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। KGF 2 ने हिंदी के अंदर दोस्तों लगभग 54 करोड़ कलेक्शन किया था, 53.95 लाख रुपीज़ का दोस्तों इसने कलेक्शन किया था अपने पहले दिन सिर्फ हिंदी वर्जन का। तो सब लोगों ने ये कहा था कि रॉकी भाई जीत गया, कोई भी एक्टर इतिहास के अंदर ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, सिर्फ रॉकी भाई खुद ही तोड़ेंगे जब KGF 3 आएगी। लेकिन पठान से लोगों को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ वो नया करेगी। जैसे जैसे एडवांस बुकिंग बढ़ती गई थी ना, तो लोगों को विश्वास बनता गया था कि यार ये रिकॉर्ड तो जरूर टूटेगा। मैंने प्रिडिक्शन लगाई थी 50 से लेके 52 करोड़ रुपये की, मैं 52 करोड़ के आसपास दोस्तों ये मूवी कमा लेगी। लेकिन यकीन मानिए मूवी ने, जब आज ऑफिशियल कलेक्शन है ना, तरुण आदर्श सर लेके आए दोस्तों 55 करोड़ रुपये सिर्फ हिंदी कलेक्शन था, 57 करोड़ रुपये था टोटल कलेक्शन यानी तमिल तेलुगु मिलाकर। वहीं वर्ल्ड में दोस्तों इस मूवी ने 106 करोड़ रुपये कमाए, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात बनती है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, ये शुरुआत है। सेकेंड डे कलेक्शन अगर आप सुन लोगे ना दोस्तों, अभी रात के लगभग 11 बज रहे हैं, अभी जो प्रिडिक्शन है ना आज का, यानी कि अब नाइट के शो भी जहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है शोज की, आप जो कलेक्शन सुनोगे ना आपके तोते लाल हो जाएंगे। जहाँ पर पहले दिन से मूवी सिर्फ 55 करोड़ रुपये कमाए हैं दोस्तों, सेकंड दिन दोस्तों अपडेट निकल के आ रही दोस्तों 63 करोड़ भी ये कमा रही है अपने सेकंड डे के अंदर। विश्वास करो कि 63 करोड़ रुपये अपने दूसरे दिन, ये अभी तक किसी ने नहीं किया है। 2 दिन में 100 करोड़ रुपये कमाने वाली ये पहली फिल्म बनेगी, पहली फिल्म। यानी आप सोच करो ऐसी फिल्म अभी तक कोई बनी नहीं बॉलीवुड के अंदर। बड़ी बड़ी फिल्में आई, वॉर आई, बहुत मतलब एक से बढ़कर एक ऐसी मूवीज आई थी जो 3 दिन भले 100 करोड़ कमा ले, लेकिन 2 दिन में 100 करोड़ किसी मूवी ने नहीं कमाया। लेकिन किसने कमाया? सिर्फ और सिर्फ पठान ने, क्योंकि शाहरुख खान सर है ना, कोई मजाक नहीं है, वो एक ब्रांड है। 4 साल पहले भले उनके साथ कुछ मर्जी हुआ, उनकी मूवीज नहीं चलती थी, बैक टू बैक वो डिजास्टर फ्लॉप दे रहे थे। चेन्नई एक्सप्रेस के बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हाइप है ना वो इस मूवी ने की है। यकीन मानिए पठान जो कर रही है ना, वो किसी ने सपने में नहीं सोचा था दोस्तों। इसने अपना बजट का तो 2 दिन में पूरा कर दिया, 250 करोड़ बजट है, 2 दिन के अंदर दोस्तों 215 करोड़ रुपये ये मूवी ने कमा लिए हैं। विश्वास करो कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 215 करोड़ रुपये 2 दिनों के अंदर ही। अभी तो कहानी बहुत बाकी है, अभी तो कल का दिन है, शुक्रवार है, शनिवार है, संडे है, ये मूवी 500 करोड़ प्लस मूवी कमा जाएगी। आप सबके सब देख लेना, आपको क्या लगता है ये मूवी कितने करोड़ कारोबार कर पाएगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों ये था मेरा वीडियो, अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक जरूर करना, लगे मदद अच्छी देखने मेरे चैनल पर तो आप इसमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।